मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। चौकीदार नरेंद्र मोदी चोरी करते हुए पकड़ा गया, राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। आज कलबुर्गी के एनवी मैदान में आयोजित कांग्रेस परिवर्तन समावेश में बात करते हुए AICC अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चौकीदार झूठा वादा करने में माहिर है। 15 लाख सबके खातों में डालने की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। रफाइल मामले में 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया मोदी ने, जबकि हमने आर्टिकल 371 के तहत 20,000 युवकों को रोजगार दिया। किसानों का कर्ज सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, पंजाब में माफ किया। नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपये 15 से 20 लोगों का कर्ज माफ किया है, मगर कभी भी किसानों के बारे में नहीं सोचा, कहा AICC अध्यक्ष राहुल गांधी ने। शमशान घाट की मांग, वरना चुनाव का करेंगे बहिष्कार। न जिंदगी में सुकून, न मौत में सुकून, न जीते जी इज्जत से रहे और न मरने के बाद इज्जत मिली। ये कहानी शिमोगा तालुका के सोगाने भोजप्पा कैंप, रेड्डी कैंप, शिवपुर तांडा के करीब 5,000 लोगों को शमशान के लिए जगह ही नहीं है। ग्राम में कोई मरता है तो पहला सवाल उठता है कि कहाँ दफन किया जाए। जिंदगी भर तो दुख झेलते हुए रहे, मरने के बाद भी सुकून मयसर नहीं हो सका इन निवासियों को। किसी की मौत होती है तो तालाब के पास गड़ा या जलाया जाता है। बारिश के दिनों में यहाँ पानी आता है तो बहुत मुश्किलें होती हैं। स्थानीय निवासियों ने कई बार तहसीलदार और जिला अधिकारी को शमशान के लिए जगह देने का निवेदन किया है, मगर अब तक ये काम नहीं हो पाया। इस बार ये ग्रामों के लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। कुत्ते का बर्थडे, इंसान को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और यहाँ एक कुत्ते का बर्थडे मनाया जा रहा है। वहाँ एक कुत्ते की भी क्या किस्मत है। चिकोड़ी तालुका के येडूर ग्राम की ये घटना है, जहाँ पर पांडुरंग महीपति ने अपने कुत्ते लाली का जन्मदिन मनाकर सबको चौंका दिया। 1 साल पहले पांडुरंग एक कुत्ते को घर लाया, जिसका नाम लाली रखा था, और उसी का आज जन्मदिन मनाया, जिसमें कई लोग शामिल रहे। उड़पी में बाइक स्टंट, KTM बाइक कंपनी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2 युवकों ने बाइक पर कई स्टंट दिखाकर लोगों को चौंका दिया। रिवर्स बाइक राइडिंग, एक पांव पर खड़ा रहकर करतब और भी कई करतब दिखाए इन युवकों ने। किसान की आत्महत्या, कर्नाटक सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है, फिर भी न जाने क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शिमोगा जिले के सागर तालुके के भीमन कोणे ग्राम में ये घटना घटी है, जिससे नीलकंठ गौड़ा नामक किसान ने 13 मार्च को ही जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिन्हें शिमोगा के मैगन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। कहा जा रहा है कि किसान ने करीब 6 लाख का कर्ज लिया था। सागर ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला दर्ज। मुस्लिम युवतियों की नुमाया कामयाबी, एक वक्त था कि मुस्लिम युवतियों को शिक्षा कम ही दी जाती थी, मगर अब जमाना बदल गया है। इसकी ताजा मिसाल रायचूर तालुका के शंखनूर ग्राम की सईदा आलिया फातिमा ने रायचूर के रिम्स कॉलेज से MBBS में 3 गोल्ड मेडल हासिल करके मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। इसी तरह शहर के हाजी कॉलोनी की अतिया सुल्ताना ने नवोदया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी में 3रा रैंक हासिल किया है। संगीन हालात में महिला की मौत, कत्ल का अंदेशा। ये घटना कोप्पल जिला गंगावती तालुके के सिंगनार ग्राम में घटी है, जहां पर 40 साल लक्ष्मी नामक महिला की लाश घर में फैन से लटकी मिली है। लक्ष्मी की बहन ने पति और सास पर कत्ल का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि लक्ष्मी को तकलीफ देने को लेकर 4 महीने पहले गंगावती ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई थी। गंगावती पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है।
गोवा सीएम मनोहर पारिकर के निधन पर रेवेन्यू मिनिस्टर देशपांडे का मलाल। आज रेवेन्यू मिनिस्टर देशपांडे ने धारवाड़ में बात करते हुए कहा कि गोवा के सीएम मनोहर पारिकर देशभक्त थे, एक अच्छे इंसान और बिना किसी भेदभाव के सभी पक्षों के नायकों से उनके अच्छे संबंध थे। इनकी मौत से बड़ा नुकसान हुआ है, कहा देशपांडे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।